गुड मॉर्निंग गाइस, हम पंजिम से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं साउथ गोवा। आज हम जाएंगे अगोंडा बीच, जहां हमारा फर्दर स्टे है। और हमने कैब के लिए 3-4 कार रेंटल वालों से बात किया था, सबने अराउंड 2500 कोट किया और इन्होंने थोड़ी बार्गेनिंग के बाद 2300 पे फाइनल किया। वैसे हमने गोवा माइल्स भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे कोई भी कैब्स अवेलेबल नहीं थी। हालांकि प्राइस कम थे, 2100 ही दिखा रहा था, लेकिन कुछ भी कहो यार, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कैब्स थोड़ी कॉस्टली तो है ही। खैर यार, हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी ड्राइविंग के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बस एक चीज़ आ रही है मन में, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। One hour later. तो जी, ये रहा हमारा स्टे, आइए देखें कैसा है। अगोंडा फेमस प्लेस है टर्टल नेस्टिंग साइट्स के लिए। यहाँ पे टर्टल्स अपने एग देते हैं और उन्हें इस तरीके से ग्रीन कलर की नेट में रखा जाता है, ताकि उन्हें कोई बर्ड या डॉग आके ना खाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर नेट पे पिट नंबर, डेट और नंबर ऑफ एग्स मेंशन करके रखते हैं ये लोग। ये यूजुअली 45 डेज के अंदर हैच हो जाते हैं, देन इनको सी में रिलीज कर दिया जाता है। रास्ते में मिल गया नारियल पानी, तो हम रुक गए हैं नारियल पानी पी के, फिर आगे जाते हैं। मारा दी करो। ये ले। तो शाम हो गई है और हम अपने रिजॉर्ट के बाहरी लेन में जो शॉप्स हैं उनको एक्सप्लोर करने निकले हैं। और हमने सोचा निकलेंगे डिनर करने, तो थोड़ा पहले ही निकल लेते हैं। मस्त प्लान है। क्या है कुछ नया अगर मिलता है तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं।
तो अभी हम हैं अपने रिजॉर्ट के बाहर ही बीच पे, और यहाँ पे मुझे मिला एक आदमी जो ये सब बेच रहा था, और मैंने पता नहीं क्यों ही ये लेजर लाइट खरीद ली और मुझे डांट भी पड़ गई। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अब हम थोड़ी वॉक करके फिर यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर करने, तो मैं दिखाती हूँ हमने क्या खाया। A few moments later.